नमस्कार, रोटी सोटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको करेला फ्राई बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेले को अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद एक प्याज लेंगे और इन दोनों को काट लेंगे। प्याज आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि प्याज से करेला टेस्टी बनेगा। तो ये प्याज के मैं स्लाइस कर लेती हूँ और करेले के भी छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ और इन दोनों को एक साथ ही रखती हूँ। अब कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद इसमें करेले डालती हूँ। करेला डालकर इसको चलाएंगे। कुछ देर चलाने के बाद हम इसको पकने के लिए ढक देंगे। कुछ देर बाद फिर इसको चलाएंगे। ये कुछ कुछ पक चुका है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर मिलाऊंगी। हल्दी पाउडर मिलाने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ देर के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। अब इसको वापस से चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाऊंगे। इसको भी अच्छे से चलाएंगे। करेला अच्छी तरीके से पका नहीं है तो इसको मैं एक बार दोबारा से ढक देती हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर इसको देखती हूँ। ये देखिए, अब करेला बिल्कुल पक चुका है। तो ये हमारा करेला फ्राई तैयार है। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।